हेलो दोस्तों, गुड़िया के रसोई में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। हम मार्केट गए थे और मार्केट से हम 2 केजी गाजर लाए हैं। सबको अच्छे से धो लिए हैं, पोंछ लिए हैं और सबको हम गाजर को क्रश कर रहे हैं। गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। न्यू ईयर है, सबको पहले एक एक करके पहले ग्रेट करके तब हलवा बनाएंगे। ग्रेट किया हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे तो उबाल कर भी बनता है, लेकिन ग्रेट किया हुआ एक बार आप जरूर बना कर देखिएगा। अब सबको कर लिए हैं, गैस ऑन करके घी, शुद्ध घी में बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा ही से ज़्यादा घी नहीं डाले हैं, थोड़े से डाल रहे हैं और जीरा डाल दिए। जीरा, तेजपत्ता। लाल होने पर हम गाजर को डाल देंगे। गाजर को डाल के पहले हम इसको थोड़े सा गाजर डाल लें, पहले इसको मिला दें अच्छे से, फिर और डालेंगे और डाल के इसको भी अच्छे से मिल मिला दे रहे हैं। सबको डालने के बाद फिर इसको एक बार मिला दे, एक बार और अच्छे से मिला देंगे। थोड़े थोड़े करके मिलाने से सब में मिल जाएगा, एक ही बार ज़्यादा मिलाने से अच्छा भी नहीं बनेगा, इसलिए थोड़े थोड़े हम करके डाल रहे हैं और मिला देंगे। इस तरह से बनाने पर टेस्ट अच्छा आता है। न्यू ईयर है, न्यू ईयर में हलवा तो सबको पसंद बहुत ज़्यादा आता है। गाजर का हलवा तो ऐसे ही बहुत पसंद आता है। इधर दूध गर्म कर रहे थे, 2 लीटर दूध, उसमें से हम आधा लीटर इसमें डाल देंगे, डाल के मिलाएंगे। पानी नहीं डाल रहे हैं, दूध ही डालकर इसको मिलाएंगे। ऐसे सबको अच्छे से मिला के हम 10 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। देखिए, ढक दिए हैं, 10 मिनट हो चुका है। एक बार फिर हम इसको चला देंगे अच्छा से। अभी गला नहीं है, लेकिन अच्छे से मिला चला कर और हम इसको फिर से हम ढक देंगे। कुकर में भी बन सकता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सबको एक तरफ कर दिए और ढक देंगे 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो चुका है, देखिए इसका सूख गया है थोड़ा सा दूध। इसको अच्छे से फिर इसको भी इसी तरह करके मिला रहे हैं। इसी तरह करते करते ये गल जाता है। लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो, बहुत ही मेहनत से बनता है और बहुत ही लाजवाब होगा। एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। देखिए, फिर 5 मिनट हो गया है, फिर से हम इसको हम हटा रहे हैं। हटाकर इसी तरह से चलाते रहना है। फिर से हम ढक दे रहे हैं 5 मिनट के लिए और इसको फिर से हम चलाएंगे। इसी तरह ऊपर नीचे करते रहेंगे। ऐसा जब तक करेंगे तब तक इसका सूख न जाए पानी या दूध। हम पानी नहीं डालते हैं, दूध डाले हैं। दूध इससे जितना भी गाढ़ा हो जाए उतना ही अच्छा होगा। देखिए, गाढ़ा दूध रखे हैं मलाई सहित, इसको हम फिर से डाल देंगे और डालने के बाद हम चलाएंगे। ऐसे हलवा, गाजर तो पूरा सूख, ये गल चुका है, देखने से आपको लग रहा होगा कि कितना गल चुका है। कलर भी बहुत अच्छा आया है, तो तब इसमें हम गाढ़ा दूध जो हम रखे थे उसमें डालकर उसको चला रहे हैं। अब चीनी भी डाल रहे हैं, 2 केजी है तो इसमें 250 ग्राम हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी डाल के एक बार इसी तरह हम इसको मिलाएंगे, हर जगह से चीनी मिल जाए। देखिए, चीनी डालने के बाद कलर भी दूसरा आ जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर। अब इसको हम इसको सुखाएंगे, जिसका दूध है इसको और सुखा देंगे। चीनी डालने पर वैसे भी छूट जाता है, थोड़ा सा पानी हो या दूध गाजर का जो छूट जाता है।
इसी तरह करके अब ढकना नहीं है, सुखाते रहेंगे और इसे हमेशा लगातार चलाते रहिएगा। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एकदम हो चुका है, थोड़ा सा और लगेगा, 10-15 मिनट और लगेगा तो बन जाएगा ये। काजू किशमिश रखे हैं, आप चाहे तो नारियल, ड्राई फ्रूट्स, बादाम भी रख सकते हैं, हमें वो सब बच्चे को पसंद नहीं आता है इसलिए हम नहीं रखे हैं। इलायची को हम भूख दिए हैं, वो सब वही डाल रहे हैं। आप चाहे तो नारियल भी डाल सकते हैं लेकिन नारियल किसी को पसंद नहीं आता है यहाँ पे, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। देखिए इसी से करके डाल के हम इसको 5-10 मिनट के लिए भी इसी तरह मिलाएंगे कि ये भी फूल जाएगा। और लास्ट में घी डाल देते हैं, घी डालने पर सुगंध बहुत अच्छा आता है, टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। घी डालने के बाद इस सबको मिलाएंगे इसी तरह। देखिए अब बहुत अच्छा कलर आ गया, इसी तरह मिलाते रहने से हमेशा लगातार चलाते रहिए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, हलवा बन चुका है, गैस ऑफ कर दिए। अब सबको हम इसको निकाल देंगे। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।